तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो को डिसएडवांटेज बारे में। प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हो एडवांटेज, तो आज बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई अब डिसएडवांटेज बात कर लो, एडवांटेज तो अच्छे लगते हैं भाई सबको। भाई डिसएडवांटेज इसमें एक यही है कि हमारे विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं। अच्छा भाई, ये यहाँ पे होने थे क्योंकि भाई गाड़ी चलाते रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता, आगे के चक्कर में पीछे के उतार देते हैं, पीछे के चक्कर में आगे के उतार देते हैं। अच्छा भाई, और ये मेरे को लगता है डिसएडवांटेज स्कॉर्पियो की, गियर नो मिलती है ये। भाई वाइब्रेशन, जब इतना बड़ा इंजन है वाइब्रेशन तो भाई। और बहुत बड़ी गाड़ियां इनोवा में है शायद, इनोवा में भी है भाई वाइब्रेशन थोड़ी बहुत। हाँ है, मैं नहीं कह रहा, बट इसमें कुछ ज्यादा है भाई। ये हाथ रख के दिखाना भाई इसको। तो भाई इसमें बॉडी रोल, ये तो भाई इंजन भी इनोवा से पावरफुल है। अच्छा भाई, तो आपको डिसएडवांटेज लगता है एडवांटेज में किन दोनों से आप? भाई अब जिस हिसाब से गाड़ी है तो डिसएडवांटेज तो है ही भाई। अगर किसी को दिक्कत है तो वो आते हैं फॉर्म वगैरह, वो लग जाते हैं, वो वाइब्रेशन को अपनी को कम कर देते हैं। अच्छा भाई, ऐसे यही करवा सकते हैं। चलो तो भाई और बताओ आपको क्या लगता है। और क्या बताऊं भाई, एक इसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे हमारी कैप्टन सीट दे रखी है, पीछे एसी नहीं दे रखा। हाँ भाई, पीछे एसी वेंट होने थे दो, क्योंकि जो लास्ट में जो रियर की सीट में पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए सबसे दिक्कत होती है भाई हवा की, तो ये कमी छोड़ दी। एक स्कॉर्पियो यहाँ दे रखे हैं और पीछे देने थे, पीछे नहीं है भाई। हाँ पीछे नहीं है, ये दिक्कत रहेगी। और तो भाई सही है, इसमें कैप्टन सीट भी है। और भाई तीन डिसएडवांटेज हो गए, दो और बताओ। एक भाई आपने बता दिया, अगर हल्की सी भी बूंद आ जाती है तो ये वाइपर चल जाते हैं। हाँ भाई, ये तो भाई जाहिर बात है। हाँ ये भी विंडशील्ड भाई, बॉडी रोल का भी तो एक डिसएडवांटेज, वो सब बॉडी रोल का तो है ही भाई। अब बॉडी रोल का हम इसका मिटा सकते हैं, नहीं मिटा तो भी नहीं सकते आप। हाँ ये मिटा दोगे आप? हाँ एक बॉडी रोल है, और बताओ और तो कुछ नहीं है भाई। तो अब ये बताओ, कुल मिला जैसे बंद होगी वैसे तो गाड़ी मिलनी है, जैसे कोई पुरानी लेता है तो लेनी चाहिए इसे, नहीं लेनी चाहिए पुरानी? भाई वो तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर ऐसे भाई अभी इस लोग के, इस गाड़ी के इतने लोग दीवाने हैं, अगर किसी को पुरानी मिलती है तो खूब, अब भी खूब, मेरा यूट्यूब चैनल है उसपे भी खूब बोलते हैं भाई हमें स्कॉर्पियो VLX चाहिए, कोई दिलवा दो सही सी। अच्छा, तो भाई अब भी मार्केट है गाड़ी की, ऐसी बात नहीं है। अब ये भाई अगर S11 में कन्वर्ट हो जाए, हो जाती है भाई S11 में, ये भीतर का इंटीरियर सेम रहता है, लाइट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। ये तो भाई तगड़ा फीचर बता रहे हो आप भाई, 1-2 लाख में हो जाती है। करवाया भाई किसी ने वैसे? हाँ यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेना, बहुत सारी है। अच्छा भाई, पर वो बेस मॉडल को करवाते हैं भाई, हमारा तो टॉप पहले ही से बुतेरे फीचर है, तो वही है वायरिंग वगैरह छेड़े पीछे फीचर्स खत्म हो जाएंगे। तो भाई तो लेनी चाहिए मतलब कुल मिलाकर अगर सही मिल रही गाड़ी बढ़िया है अगर आपको मिलती है, पर भाई रस्टिंग भी भाई लगती है जैसे, तो आपकी में लगी अभी तक? नहीं लगी भाई, नहीं हुई कहीं भी, आप पूरी गाड़ी में देख लो रस्टिंग है ही नहीं, क्योंकि भाई इतने संभाल के रखी है गाड़ी, छाया में रही है हमेशा, जब भी कहीं जाते हैं तो छाया ढूंढते हैं पहले गाड़ी के लिए अपने। अच्छा भाई, पहले गाड़ी के लिए तो वो भाई ज्यादा घर पे करवाते हो बाहर? भाई हर जगह जहाँ पे जाती है उस हिसाब से, बाहर भी खूब होती है और घर पे भी कर लेते हैं भाई। अपनी गाड़ी है इसमें शर्माने की क्या बात है, नहीं भाई घर पे कर ले तो कोई बात नहीं शर्माने की। तो भाई एवरेज कितने दे देती है वैसे? भाई एवरेज निकाल देती है 9-10 की है। 9-10 की? और जैसे हाईवे पे? हाईवे पे भी इतनी 10-11 की निकाल देगी भाई ज्यादा बस। तो भाई 9 साल हो गए इंजन को इतना निकाल रहा है। और जो नई वाली स्कॉर्पियो आपको अंदाजा हो तो मतलब भाई उसकी बोलते हैं 15-16 की दे देती है, पर मुझे लगता नहीं है इतनी की दे देगी वो। अच्छा भाई, तो आपको नई स्कॉर्पियो और इसमें चॉइस करनी पड़े, कौन सी चॉइस करोगे? भाई मैं तो नई जनरेशन के साथ जाऊंगा भाई, पुरानी क्यों रखूं मैं, जब मुझे नई मिलेगी तो ऑप्शन मिलेगा तो भाई बिल्कुल नई लूंगा मैं भाई। सही बात है। तो चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा।